हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्ज़ाम का। तो 5 अगस्त 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि करंट अफेयर 2021 की हमने 600+ क्वेश्चन की एक ई बुक लॉन्च करी है जिस पर आपको फ्लैट 70% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो ईबुक रहेगी इसमें जनवरी से लेके जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं और ये ईबुक सिर्फ आपको 29 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो आपको जीमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है हु कैन रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि चीफ जस्टिस जो है भारत के उनको उनके पद से कौन हटा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है और इसमें किसकी मदद लगेगी, तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इन दोनों के पास पावर होती है हटाने की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जो दोनों सदन होंगे पार्लियामेंट के उसमें पहले प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा, उसके बाद और भी काफी लंबा प्रोसेस होता है जिसके बाद जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फेस्टिवल से, राजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राजा फेस्टिवल जो होता है इसको राजा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो फेस्टिवल होता है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है राजा फेस्टिवल को। आज की जो शिफ्ट रहेगी ये चौथी शिफ्ट है, कल 3 शिफ्ट हो चुकी हैं और चारों की चारों शिफ्ट में एक एक फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फेस्टिवल की सेपरेट वीडियो रहेगी जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखें। अगर इन चारों स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करी जाए तो उड़ीसा जो स्टेट है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल रहेगा रथ यात्रा। राजा पर्व जो है ये राजा फेस्टिवल ही रहेगा, इसको राजा पर्व भी बोला जाता है। नुकाही जो है ये भी एक फेस्टिवल रहेगा उड़ीसा का। अगर आसाम के फेस्टिवल्स की बात करी जाए तो अंबु बची एक फेस्टिवल रहेगा, बिहू काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है, बिहू और बगुरुम्बा दोनों पूछे जाते हैं आसाम से। देहिंग पटकई एक फेस्टिवल रहता है और बैशागु, ये चार फेस्टिवल्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं आसाम से। कर्नाटका स्टेट के कौन कौन से रहेंगे, तो मैसूर दशहरा और उगाडी ये दोनों जो है कर्नाटका के रहेंगे। केरला के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाते हैं ओनम और विशु। अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, अटल पेंशन योजना को कौन से साल में लॉन्च किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में डेट पूछी गई थी तो 9 मई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन मिजोराम, तो मिजोराम की लोकसभा सीट्स पूछी गई हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स काफ़ी पूछी जा रही हैं एग्जाम में। जो कल की शिफ्ट रही थी उसमें आपसे पूछा गया था कि आसाम में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, उससे पहले आपसे उड़ीसा की राज्यसभा की सीट पूछी गई थी। तो 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है सीट्स के रिलेटेड क्वेश्चन। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं मिजोराम की, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक सीट रहेगी मिजोराम की लोकसभा में। तो आप सीट्स को जरूर पढ़ लें एक बार कि लोकसभा राज्यसभा में कितनी कितनी सीट्स रहेंगी। सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वो किसकी रहेंगी, तो वो रहेगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीट्स हैं और राज्यसभा में 31 सीट्स हैं। अगर मिजोरम की बात करी जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी मिजोरम की एक ही सीट रहेगी। तो लोकसभा में भी एक सीट है और राज्यसभा में भी। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, काफी बार चैनल पे पढ़ चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 131। इंडिया की 131 रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में। कितनी कंट्रीज थी टोटल, 189 में से 131 रैंक थी। पहली रैंक किसकी रही है, तो पहली रैंक पर आया नॉर्वे कंट्री।
हु इज द करंट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया पूछे गए थे आपसे करंट टाइम में कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नवीन तोमर। नवीन तोमर जो है ये करंट टाइम में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जनरल्स की बात करी जाए इंडिया की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगे, तो आप उनको एक बार पढ़ लें। NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कौन है, वो रहेंगे अजीत डोभाल। कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे राजीव गौबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रमोद कुमार मिश्रा। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं TV सोमनाथन। डिफेंस सेक्रेटरी रहेंगे अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी रहेंगे। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता जो है ये करंट टाइम में सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। तो आप इनको कहीं पे नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इसके साथ साथ न्यू अपॉइंटमेंट वाली हमारी एक वीडियो रहेगी, जिसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट है 2021 की वो आपको बताई गई हैं, उससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वन दी नोबल प्राइज इन 2020 इन फिजिक्स फील्ड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कल की शिफ्ट में पूछा गया था और आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया कि फिजिक्स की फील्ड में नोबल प्राइज किसको दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो एंड्रिया एम गेज, रॉजर पेनरोज और रेनार्ड गेंजिल, इन तीनों को सम्मानित किया गया है नोबल प्राइज से 2020 में फिजिक्स की फील्ड के लिए। इकोनॉमिक्स का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिजिक्स का भी पूछा जा चुका है, तो बाकी की और जो फील्ड्स रहेंगी, टोटल 6 फील्ड्स होती हैं, तो बाकी 4 फील्ड्स और जो रहेंगी उनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें कि उसमें किस किस को नोबल प्राइज दिया गया है। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें सारे नोबल प्राइज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देनाली नेशनल पार्क और माउंट डायब्लो माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो या तो आपसे इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था या फिर ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। तो देनाली नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है और माउंट डायब्लो का माउंटेन जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो USA जो कंट्री है वहां पे लोकेटेड है, USA में जगह रहेगी अलास्का, वहां पे रहेगा देनाली नेशनल पार्क, और माउंट डायब्लो माउंटेन जो है ये कैलिफोर्निया में रहेगी अमेरिका में। तो इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली के द्वारा फाउंड किया गया था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को। ये जो है चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जवाहरलाल नेहरू जो है उनके रिकमेंडेशन के बाद फजल अली के द्वारा स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इसको तैयार किया गया था, इसको फाउंड किया गया था। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के आपसे प्रेसिडेंट पूछे गए थे कौन रहेंगे, तो ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम जो हैं ये करंट टाइम में प्रेसिडेंट रहेंगे हॉकी इंडिया के। Which country will host FIFA World Cup 2020? तो FIFA क्लब वर्ल्ड कप जो होता है उसका विनर पूछा गया था आपसे 2020 का कल की शिफ्ट में। आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है कि FIFA वर्ल्ड कप जो होगा 2022 में वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। कतर कंट्री के द्वारा होस्ट करा जाएगा FIFA वर्ल्ड कप 2022 का। अपकमिंग स्पोर्ट टूर्नामेंट की जो वीडियो है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हमारे 100+ टॉपिक्स की हमने एक ऑल स्टैटिक GK टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। इससे 80% जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इसी प्लेलिस्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक GK टॉपिक्स भी हैं और करंट अफेयर्स के भी सारे टॉपिक्स हैं। अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो गया, चाहे कोई भी टॉपिक हो गया, सब टॉपिक आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो 80-90% क्वेश्चंस आपको इसी प्लेलिस्ट से पूछे जा रहे हैं सारी शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को कौन सा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में जो कि कंट्रोल करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट जो होती है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, उसका भी फंक्शन देखता है थायरॉयड ग्लैंड। अगर बाकी ग्लैंड्स की बात करी जाए तो पाइनियल ग्लैंड जो होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो सेंटर ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होता है। एडिनल ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारी जो किडनी होती है उनके अपर साइड प्रेजेंट होता है एडिनल ग्लैंड, जो कि रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को। जो BP बढ़ता घटता है वो एडिनल ग्लैंड ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है और ये रेगुलेट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय स्टेट में जो कैपिटल रहेगी शिलोंग, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को मेघालय स्टेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की भी एक ई बुक रहेगी जिसपे आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस ई बुक में आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 2020 के करंट अफेयर्स मिलेंगे, 500 स्टैटिक जीके और 500 जनरल नॉलेज। ये टोटल 2000 क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं, सिर्फ 99 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और आप यकीन मानिए इससे 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं जो कि एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आर्टिकल 148 जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 148 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, ये बताया गया है आर्टिकल 148 में, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 80% क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी वीडियो से आ रहे हैं। तो आप जो हमारी पुरानी वीडियोज हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स वाली उनको कवर कर लें। अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो आप उनको पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ें, स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स रहेंगे उन सबको पढ़ें, उससे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारी ईबुक नहीं बाय करी है, ईबुक मिल जाएगी आपको करंट अफेयर 2021 की 600 प्लस क्वेश्चंस की 29 रुपीज में, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको बाय कर लें। 99 रुपीज की ईबुक है वो भी आपको मिलेगी 2000 क्वेश्चंस जिसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये सब आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप इनको जरूर देखें, तो इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।